ऑफिस सिर्फ एक बार में चेहरे पर जमी सालों पुरानी मैल निकालकर इतना गोरा कर देगी। हाउ टू व्हाइटन स्किन नेचुरली फ्रॉम कॉफी पाउडर। हाय फ्रेंड्स, मैंने ना हमारे यूट्यूब चैनल ब्यूटी सीक्रेट्स हिंदी में आपका एक बार फिर से वेलकम करती हूँ। दोस्तों, यदि आपके चेहरे पर कालेपन की परत चढ़ चुकी है, दिन पर दिन आपका रंग काला होता जा रहा है, तो आज मैं आपको बताऊंगी 100% रिजल्ट देने वाला एक कॉफ़ी का बहुत ही ज़बरदस्त उपाय, जो कि त्वचा से कालापन को हटाकर त्वचा का रंग निखारने, साफ करने और गोरा करने में बहुत हेल्प करेगा और फर्स्ट टाइम में ही आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला है। तो वीडियो कंप्लीट एंड तक देखिए। साथ ही चैनल से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब के रेड बटन पर क्लिक करें और साथ ही बेल आइकन यानी घंटी को ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे आप हमारी सभी यूजफुल ब्यूटी वीडियो की नोटिफिकेशन पाते रहेंगे। साथ ही अगर आपको आज का हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो इसे बनाने के लिए हमें चाहिए नींबू, आधे नींबू का रस इस्तेमाल करना है हमें। नींबू में है सिट्रिक एसिड और स्किन लाइटनिंग प्रॉपर्टीज़, जो कि हमारी स्किन से कालेपन की परत को हटाकर और स्किन को नेचुरली निखारता है, रंग साफ करता है। इसमें है विटामिन सी, जो कि त्वचा का रंग साफ करने में बहुत मदद करता है। तो आप एक बॉल लीजिए और इसमें आधे नींबू का रस आपने निचोड़ देना है इस तरह से। सेकेंड इंग्रेडिएंट है टमाटर। नाइफ़ की हेल्प से आप टमाटर को इस तरह से दो पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। टमाटर में मौजूद लाइकोपिन त्वचा को हेल्दियर और कालेपन को हटाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। हमें आधे नींबू का रस इसमें निचोड़ देना है इस तरह से। थर्ड इंग्रेडिएंट है हमारा हनी। शहद से त्वचा की मर्द कोशिकाएं हटती हैं और नई कोशिकाएं बनती हैं, जिससे आपकी स्किन हेल्दी होती है और साथ ही स्किन में एक बहुत अच्छा ग्लो भी लाता है। तो अब मैं इसमें एक चम्मच शहद डाल देती हूँ। लास्ट एंड फाइनल इंग्रेडिएंट है कॉफ़ी पाउडर। एक चम्मच कॉफ़ी पाउडर आप इसमें डाल दीजिए और सभी को आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। दोस्तों, अब मैं आपको इसे अप्लाई करने का तरीका बताती हूँ। आपने जो नींबू का रस निचोड़ा था, उसका जो छिलका है, आप उसमें ये जो मिश्रण है इसे भर लीजिए अच्छी तरह से और चेहरे पर मल मल कर 5 से 7 मिनट के लिए आप इसे रब कीजिए। इसे रब करने से ये होगा कि जो भी आपके स्किन पर डर्ट है, पॉल्यूशन है या टैन जमा है, कालापन है, तो वो उस रब करने से वो डीपली क्लीन होगा और साथ ही नेचुरली आपकी स्किन हेल्दी और वाइटन होगी। तो इस तरह से आपको 5 मिनट तक करना है। 5 से 7 मिनट तक जब आप इस तरह से कर लें तो आप अपने चेहरे को सादा पानी के साथ वॉश कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं फर्स्ट टाइम से ही इसका कितना अच्छा रिजल्ट है। तो अगर वीक में आप इसे 2 से 3 बार इस्तेमाल करते हैं तो आपका चेहरा बहुत ही क्लीन, साफ और गोरा हो जाएगा। आई होप आज का वीडियो पसंद आए, ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।